और आज हम हमारी क्लास में इम्पेरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ये सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस से। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहले हमको पहचान पता होनी चाहिए कि ये रिपोर्टेड क्लोज में किस तरीके से स्टार्ट होते हैं। अमूमन जो इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये रिपोर्टेड क्लोज में तीन तरीके से स्टार्ट होते हैं। एक तो ये होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। सेकेंड ये है कि ये रिपोर्टेड क्लोज में डू या फिर डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। थर्ड ये है कि ये प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके से स्टार्ट होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से, और प्लीज और काइंडली से। अब इनको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, तो ये इसमें जो कुछ रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अब तक हम क्या कर रहे थे कि बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सेट दे रखा था उसके स्थान पर हम टोल्ड कर रहे थे नॉर्मल सेंटेंस के अंदर। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम सेट को चेंज करके आस्क्ड कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर हम सेट को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, वॉन्ट के अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। ऐसा इसलिए है कि अपन को रिपोर्टेड क्लोज के अंदर जो सेंटेंस दिया हुआ रहेगा वो किस भाव में दे रखा है सेंटेंस, कि उसको हमको पहचानना पड़ेगा पहले कि उसके अंदर जो है सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, इन सबको हमको पहचानना पड़ेगा। उस सेंटेंस को पहचानते हुए ही हम सेड को आवश्यकता अनुसार रिक्वेस्टेड, एडवाइस या फिर वॉन्ट में हम चेंज कर देंगे। अगर ये सब चीजें हमको पता नहीं चल रही है रिपोर्टेड क्लोज के अंदर, तो हम क्या करेंगे कि हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर देंगे, तो भी हमारा सेंटेंस रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्या है इसका कि अगर हम सबको ये चीजें पता नहीं चल रही कि सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है या फिर वार्निंग दी जा रही है, हमको नहीं पता चल रहा है, तो हम उसको आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अब तीसरा जो ये है कि इसमें कनेक्टिव क्या आएगा, कनेक्टिव हमेशा इनमें जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमेशा कनेक्टिव टू आता है। और चौथा रूल ये कहता है कि हमेशा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, यानी कि ये जो सेंटेंस होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस वाली हमेशा रिपोर्टेड क्लोज में प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट है, टेक लाइट फूड। अभी जो हमारा सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में टेक लाइट फूड, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसको हम चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये जो सेंटेंस इसका भाव क्या है। अभी जो डॉक्टर ये पेशेंट को कह रहा है तो ऑब्वियसली ये पेशेंट को एडवाइस ही देगा, तो यहाँ पर क्या है टेक लाइट फूड, उसको ये एडवाइस दे रहा है, तो यहाँ पर हम सेट के स्थान पर क्या कर देंगे एडवाइस। ठीक है, तो पहले हम सेट टू को चेंज करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का पहले हम चेंजेस देख लेते हैं। पहले द डॉक्टर सेट टू को चेंज किया एडवाइस में, डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम क्या लगाइए कनेक्टिव टू। हमेशा याद रखना इंपरेटिव वाक्यों में कनेक्टिव टू का ही यूज होता है, टू फिर बाकी सेंटेंस एज इट इज वैसा का वैसा ही रह जाएगा। टू टेक लाइट फूड सबसे इजी इंपेरेटिव सेंटेंस ही होते हैं। आपको बस खाली आपको इसके अंदर सेड टू का परिवर्तन ध्यान में रखना है और कनेक्टिव टू का ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी जो ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है ये अंदर हमेशा एज इट इज अमूमन वैसे के वैसे ही उतरते हैं ज्यादातर केसेस में। इसी कड़ी में हमने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया वो डू से स्टार्ट होने वाला लिया है। एग्जाम्पल है द टीचर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डू योर वर्क। अब ये जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा में डू से स्टार्ट हुआ है। हमेशा याद रखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डू से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है तो डू एज अ मेन वर्ब काम करेगी। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, चेंज करते वक्त डू का डू ही रहेगा, यानी कि एज अ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। डू यहाँ पर एज अ मेन वर्ब काम करती है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, तो यहाँ पर क्या है टीचर ऑर्डर दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सेड टू के स्थान पर ऑर्डर कर देंगे। दो टीचर चेंज कर देते हैं इसको, द टीचर ordered me, कनेक्टिव आ गए टू डू योर, क्या है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहां पे क्या जाएगा माई,
तो डू माय वर्क इतना ही। अब आपको नहीं पता चल रहा है कि हमको सेड टू के स्थान पर ऑर्डर लगाना है कि नहीं लगाना है, क्योंकि कोई के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि टीचर तो एडवाइस भी देता है ऑर्डर भी देता है तो उनको पहचान में नहीं आएगा, तो वो क्या करेंगे सेड टू के स्थान पर अस्ड कर देंगे, तो भी इसमें कोई गलती नहीं होगी। वैसे यहाँ पर ऑर्डर का भाव प्रकट हो रहा है इस सेंटेंस में। अब अगला जो सेंटेंस है वो यह है ये कि ऋषभ सेड कॉमा यूनिटेड कॉमा स्टार्ट डू नॉट प्ले इन द सन। अब जो वाक्य है ये डू नॉट से स्टार्ट हुआ है, हमेशा याद रखना कि डू नॉट से जो चेंज होते हैं सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में, इनको हम दो तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इजी तरीके हैं दोनों। तो यहाँ पर पहले हम ये भाव निकालेंगे कि इस सेंटेंस में कॉमा यूनिटेड कॉमा के अंदर यानी कि रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो वाक्य लिखा हुआ है उसके अंदर क्या हमको प्रकट हो रहा है भाव। तो डू नॉट प्ले इन द सन एक तरीके से एडवाइस ही दे रहा है, तो यहाँ पर सेड के स्थान पर क्या जाएगा पहले एडवाइज। तो ऋषभ एडवाइज्ड कनेक्टिव आ जाएगा टू, लेकिन हमेशा इसमें डू नॉट से स्टार्ट हुआ है तो कनेक्टिव टू लगाने से पहले हमको नॉट अप्लाई करना पड़ेगा। हमेशा याद रखना कि डू नॉट वाले सेंटेंस के अंदर हम जो ये यहाँ पर सेड को चेंज करके लिखेंगे जो भी एडवाइस रहेगा ऑर्डर रहेगा जो भी आएगा उसके जस्ट बाद में हमको नॉट लगाना है, कब जब डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। तो ऋषभ एडवाइज्ड नॉट, फिर बाद में आएगा कनेक्टिव टू, डू नॉट हट जाएगा क्योंकि इसके एवज में हमने नॉट टू लगा दिया है, तो नॉट टू प्ले इन द सन इन द सन। ये तो आपका डू नॉट से चेंज करने का पहला तरीका हो गया। पहला तरीका है कि आधा सेंटेंस हमारे प्रीवियस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेगा, हमको सेंटेंस का भाव पता करना है कि सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है कमांड दी जा रही है एडवाइस दी जा रही है क्या दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको सेड के स्थान पर परिवर्तन करना है। फिर बाद में जो भी यहाँ पर हमने यूज में लिया एडवाइस वगैरह उसके जस्ट बाद में हमको नॉट लगा देना है, नॉट के बाद में यहाँ पर कनेक्टिव हो जाएगा टू और बाकी से डू नॉट हट जाएगा और बाकी सेंटेंस आपको एज इट इज वैसा का वैसा उतारना है। थोड़ा प्रोनाउंस वगैरह का आप ध्यान रख देना। अब अगला जो है इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से किस तरीके से परिवर्तित करेंगे, ये तो आपका हो गया था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके हम क्या करेंगे कि सेड के स्थान पर हम फोर वेड का यूज कर लेंगे। जैसे कि देखिए वो ऋषभ सेड के स्थान पर हम क्या कर देंगे जब डू नॉट से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर, तो इसका दूसरा तरीका ये होता है कि हम सेड के स्थान पर फोर वेड कर देंगे। फोर वेड फोर वेड फिर कनेक्टिव हो जाएगा टू प्ले इन द सन इन द, ऐसा इसलिए हुआ है कि फोरबेड के अंदर ही नॉट टू का यूज हो जाता है। फोरबेड का मतलब होता है मना करना, तो यहां पर हमको कुछ ज्यादा करना ही नहीं पड़ा, फोरबेड लगाया खाली हमने कहां पर सेड के स्थान पर और कनेक्टिव का यूज कर लिया टू का, बाकी से डू नॉट को हटा दिया बाकी सेंटेंस एज इट इज वैसा का वैसा रह गया। तो दोनों तरीके बहुत ईजी है, पहला तो था आपका ये जो एडवाइस ऑर्डर वगैरह करके हम चेंज करते हैं नॉट टू से परिवर्तित करते हैं वो वाला, और दूसरा हो गया फोरबेड वाला। जो भी तरीका इजी लगे वो आप इसमें यूज में ले सकते हो। अब है इंपरेटिव सेंटेंस का थर्ड पार्ट जो कि होता है आपका प्लीज और काइंडली से स्टार्ट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है ये बहुत इजी है, इसमें क्या करोगे कि रिपोर्टेड क्लॉज के अंदर जो ये वाक्य होगा ये प्लीज या फिर काइंडली से स्टार्ट होंगे सेंटेंस। हमको इसमें क्या करना है कि सेड टू के स्थान पर क्या करना है रिक्वेस्टेड लगाना है। हमेशा याद रखना कि प्लीज और काइंडली से जो वाक्य स्टार्ट होगा रिपोर्टेड क्लॉज में उसको हम चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में, तो सेड टू के स्थान पर हम लगा देंगे रिक्वेस्टेड, कनेक्टिव वहां पर आ जाएगा वापिस से टू, ठीक है। और जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे कनेक्टिव लगाने के बाद में हम क्या करेंगे प्लीज और काइंडली को हम सेंटेंस से हटा देंगे और बाकी सेंटेंस हम एज इट इज वैसा का वैसा ही रखने वाले, और जो प्रोनाउंस संबंधी परिवर्तन है उसको हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं ही सेड टू मी, वाक्य हमारे पास में ही सेड टू मी कॉमा यूनिटेड कॉमा स्टार्ट प्लीज कीप योर मोबाइल ऑन साइलेंट मोड, तो इसको चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा ही सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे क्योंकि वाक्य जो है प्लीज से स्टार्ट हुआ है, तो ही रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड मी कनेक्टिव आ जाएगा टू प्लीज और कनेक्टिव को अपन को हटा देना है, तो यहां पर क्या जाएगा टू कीप योर क्या है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट क्या है मी, तो यहां पर क्या जाएगा माई कीप माई मोबाइल ऑन
साइलेंट मोड। इतना ही है इसके अंदर। प्लीज और काइंडली का थोड़ा ध्यान रखना, सेट टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड अप्लाई करना है, कनेक्टिव टू आ जाएगा, प्लीज और काइंडली को हटा देना है, फिर बाद में प्रोनाउंस वगैरह का ध्यान देना है और बाकी सेंटेंस एज इट इज वैसा का वैसा ही आ जाएगा। अब एक काइंडली से रिलेटेड सेंटेंस देख लेते हैं। अब हमने जो सेंटेंस लिया है वो है काइंडली से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस। सेंटेंस है हमारे पास में द स्टूडेंट सेड टू द टीचर कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट काइंडली चेक माई होम वर्क। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सेड टू के स्थान पर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सेड टू के स्थान पर हम क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड कर देंगे, कनेक्टिव टू लगा देंगे और इंटायर स्पीच में चेंज करते वक्त काइंडली को हटा देंगे। प्रोनाउंस का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां पर प्रोनाउंस क्या है, माई, तो पहले इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, द स्टूडेंट सेड टू को चेंज किया रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड द टीचर कनेक्टिव लगा दिया टू, काइंडली को हटा देना है। अब क्या करेंगे, चेक, तो यह आ जाएगा चेक माई। क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। यहां पर सब्जेक्ट अपन को दे रखा है द स्टूडेंट, अब हमको वाक्य के अंदर ये थोड़ी ना पता चल रहा है कि स्टूडेंट मेल है कि फीमेल है, तो ऐसे जब कभी कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे, वहां पर मस्कुलिन जेंडर का यूज करते हुए हम सेंटेंस को यथानुसार चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या है, माई, तो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो यहां पर है स्टूडेंट, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, हिज, तो चेक हिज होमवर्क। आज की क्लास में हमने सीखा कि इंपेरेटिव वाक्यों को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम इसका जो बच गया टॉपिक का नरेशन का वो कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप घर पर इन सबको बार बार देखिए वीडियोस को और देखकर इनकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप सेंटेंस बनाइए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।